आज मैं फिर से एक डाइट प्लान लेके आई हूँ तो आज का जो डाइट प्लान है वो सेवन डेज का डिटॉक्स डाइट प्लान है बिफोर आई स्टार्ट प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग मैं यहाँ पे वीडियोस लेके आती हूँ मधुट के बारे में पैंटिंग के बारे में लाइफ के बारे में मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में बहुत सारे डाइट प्लान भी लेके आती हूँ मैं आपके लिए वेट लॉस टिप्स भी लेके आती हूँ तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड सो मैंने सारे जो डाइट प्लान्स होते हैं आपके लिए जो मैं बनाती हूँ या फिर ख़ुद के लिए जो बनाती हूँ वो मैं इस डायरी में मेंशन करती हूँ लिख के रखती हूँ तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग से नाइट तक का पूरा रूटीन लिख के रखा हुआ है तो किसी भी डाइट की जो शुरुआत होती है वो होती है मॉर्निंग ड्रिंक से तो मॉर्निंग ड्रिंक आपका वही है मेरा फैट कटर ड्रिंक वही आपको लेना है अर्ली मॉर्निंग लेना है सेवन थर्टी सेवन ओ क्लॉक के आसपास आप मॉर्निंग में ले सकते हो वो ड्रिंक वो ड्रिंक आपको इमटे स्टमक में लेना है सबसे पहले वही ड्रिंक लेना है और आपको जो है पूरे दिन में मिनिमम तीन से चार लीटर पानी पीना है दो लीटर तो मिनिमम आपको पीना ही है तीन लीटर और चार लीटर के तक आप पहुंच जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है सो मॉर्निंग ड्रिंक के बाद आता है ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस मैं दे रही हूँ तो ब्रेकफास्ट आपको कर लेना है एट थर्टी नाइन ओ के आसपास आपको मैक्सिमम नाइन ओ तक जो है वो ब्रेकफास्ट कर लेना है तो सबसे पहला जो आपका ब्रेकफास्ट ऑप्शन है वो है ओट्स स्मूदी तो ओट्स स्मूदी जब आप बनाओगे तो उसमें ध्यान रखना है कि कोई भी शुगर कंटेंट नहीं होना चाहिए कोई शुगर सब्सिट्यूट भी नहीं होना चाहिए जस्ट आप वन टी जो है वो पीनट बटर डाल सकते हो ओट्स स्मूदी में और फिर आपको ओट्स स्मूदी बना लेना है आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे ओट्स स्मूदी के नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा प्रोटीन रिच ऑप्शन है वो है स्क्रैम्बल एग तो ये आप तीन अंडे का स्क्रैम्बल एग बना सकते हो दो एग बाइट्स लेने हैं और तीसरा जो अंडा है वो आप योक के साथ भी ले सकते हो आई मीन जो पीला वाला जो पार्ट होता है उसके साथ भी ले सकते हो तीन अंडे का स्क्रेम्बल एक बनाना है आपको उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना नॉन स्टिक तवे में बनाए तो ज्यादा बेटर है ताकि आपको ऑयल भी यूज ना करना पड़े अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल में बना रहे तो मिनिमम जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम ऑयल यूज करें और उसमें आपको डालना है पिंक हिमालयन सॉल्ट वाइट वाला सॉल्ट आपको नहीं खाना है पिंक हिमालयन सॉल्ट उसमें आपको डा डालना है थोड़ा सा तो ये हो गया स्क्रैम्बल एग एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है अगर आप वेजिटेरियन हैं आप एग नहीं खाते हैं तो आप खा सकते हैं पनीर भुर्जी एक बाउल में आपको पचास ग्राम पनीर की आप भुर्जी बना सकते हैं और उसको खा सकते हैं तो एक बाउल में आ, करीब करीब हो जाता है वो छोटे बाउल में ब्रेकफास्ट बॉल जो होते हैं उसमें तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं कुछ डालना है उसमें आप जस्ट अनियन टमाटो एंड चिली डाल सकते हो एंड आपको यही पिंक हिमालयन सॉल्ट उसमें डालना है और आपको वो पनीर भुर्जी खानी है ब्रेड के साथ नहीं खाना है ब्रेड बिल्कुल ऐड नहीं करना है सिर्फ सिर्फ यही खाना है ठीक है थर्ड जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी यमीशा ऑप्शन है ये है चिया पुडिंग तो आप चिया ओवरनाइट चिया सीड्स जो होते हैं वो आप ले सकते हो uh, एक छोटे वाले ग्लास से आप एक uh, ग्लास ले सकते हो या फिर छोटी बाउल से आप छोटा सा उसका स्मूदी खा सकते हो उसमें भी आपको किसी तरीके का शुगर सब्सिट्यूट ऐड नहीं करना है ओवरनाइट उसको uh, आपको देना है ओवरनाइट सोक होने के लिए देना है एंड मॉर्निंग में उसमें आ, आप उसमें ऐड कर सकते हो थोड़े से नट्स ऐड कर सकते हो थोड़े से पमकिन सीड्स या फिर सनफ्लावर सीड्स या फिर फ्लैक्स सीड्स ये सब थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर सकते हो एंड शुगर का कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए और वन टी स्पून आप पीनट बटर ऐड कर सकते हो और छोटी क्वान्टिटी में खाना बहुत टेस्टी लगता है तो ऐसा नहीं है कि ओवर चले जाना है बहुत लोगों को चाय की आदत होती है मॉर्निंग में तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है आधे घंटे के बाद आप ले सकते हो एक कप चाय या फिर एक कप कॉफ़ी या फिर एक कप वॉर्म मिल्क ले सकते हो तो तीनों नहीं

तो वेजिटेबल दलिया आप बना लो और एक बाउल आप उसको खा सकते हो एंड उसके साथ आप खा सकते हो छोटी कटोरी में भी हाफ कर्ड आप लेके खा सकते हो कर्ड में आप पिंक हिमालयन सॉल्ट डाल सकते हो एंड आपको बनाना है वेजिटेबल दलिया और वो खाना है नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टेस्टी लगता है वो है बेसन चीला या फिर मूंग दाल चीला दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो तो ये जो चीला आप बनाओगे वो स्मॉल पोर्शन बनाना है आपको छोटी छोटी क्वांटिटी बनाना है छोटी बनाते हो तो दो खा सकते हो बड़ी बनाते हो तो एक ही खाना है आपको ओके तो ये आप खा सकते हो किसी भी चटनी के साथ लाइक ग्रीन चटनी ले लो पुदीने की चटनी या फिर धनिया की चटनी आपको जिसके साथ लेनी है आप उसके साथ खा सकते हो तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बट ये ऑप्शन आप अवॉइड करें तो ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे ये ऑप्शन है एक आप पनीर पराठा खा सकते हो तो ओम पनीर पराठा जब आप बनाओगे विदाउट ऑयल बनाना है ये कंडीशन है अगर आप पनीर पराठा ऑप्शन चूज करते हो तो विदाउट ऑयल चूज कर ऑयल बनाना है आपको और एक पनीर पराठा खा सकते हो एक से ज़्यादा नहीं खा सकते हो इसके इसके साथ भी आप छोटी बॉल में उसको हाफ कर सकते हो कर ले सकते हो तो ये हो गए आपके लंच के तीन से चार ऑप्शन हो गए तो आप ऑब्वियसली सेवन डेज में इसको खा सकते हो मैं तो इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे आपको लेना है वन हैंडफुल ऑफ पीनट ड्राई रोज पीनट जो होते हैं वो आप खा सकते हो आई मीन ऑयल में फ्राई किया हुआ पीनट नहीं हल्का सा ऐसे ही तवे पे फ्राई होता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है अच्छा कुरकुरा कुड़ सा हो जाता है वो आप ले सकते हो हैंडफुल ऑफ मैंने इसलिए बोला बिकॉज आपको किसी भी बाउल में उसको मेजर नहीं करना है किसी भी बाउल में नहीं खाना है एक पाम पे आपको रखना है एक मुट्ठी में जितनी ही आती है अब ऐसा नहीं है कि एकदम भड़के ले लिया इतना इतना सा जो ये जो ये ये पाम है 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 आपका इतना ही लेना हैंडफुल ऑफ आप ले सकते हो और ऑप्शन दो खीरा खा सकते हो आप तो खीरे में आपको कुछ भी नहीं डालना ना सॉल्ट डालना है ना नमक ना सॉल्ट डालना है ना ही नींबू डालना है कुछ भी नहीं डालना है मिर्ची कुछ नहीं डालना है जस्ट आप खीरे को ऐसे लो काटो और खा लो और फिर डिनर आपको करना है साढ़े सात आठ बजे के बीच आप कर लो मैक्स टू मैक्स एट थर्टी आप जा सकते हो अगर आप टेन थर्टी या इलेवन सोते हो तो आप एट थर्टी तक डिनर कर सकते हो तो डिनर में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन में दे रही हूँ फर्स्ट ऑप्शन है स्टे फ्राइज वेजिटेबल्स तो उसमें उसमें में आपको क्या क्या डाल सकते हो रेड बेल पेपर डाल सकते हो येलो बेल पेपर डाल सकते हो कैप्सिकम डाल सकते हो बीन्स uh, डाल सकते हो ब्रोकली डाल सकते हो बेबी कॉर्न डाल सकते हो uh, ये सारी चीज़ें डाल सकते हो मशरूम डाल सकते हो और इसको जस्ट थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ उसको स्टेप फ्राइड करना है और वो आप एक प्लेट छोटी प्लेट में एक प्लेट खा सकते हो तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है मुझे काफ़ी पसंद आता है नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आप खा सकते हो आ, ओट्स मसाला ओट्स या फिर यूँ कह लो ओट्स का दलिया तो ये आप बना के खा सकते हो तो मसाला ओट्स बनाने में भी आप थोड़े से वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर सकते हो लाइक आप बीन्स ऐड कर सकते हो कैप्सिकम ऐड कर सकते हो ब्रोकली ऐड कर सकते हो जो भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हो और उसको भी आप एक छोटी बाउल में लेना है और उसको खाना है थर्ड जो ऑप्शन है वो ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हो तो बहुत ही बेटर है तो थर्ड ऑप्शन है कॉर्न सूप या फिर टोमेटो सूप या फिर स्पिनिज सूप ये तीनों सूप में से कोई भी एक सूप आप डिनर में ले सकते हो बहुत ही टेस्टी होते हैं बहुत ही अमी होते हैं और बहुत ही फिलिंग भी होता है बहुत ही हेल्दी होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करें बेटर बेटर रिजल्ट्स के लिए बट आप इन जितने भी मैंने तीन चार ऑप्शन बताए इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करते हो तो भी चलेगा सो so, ये हो गया आपका पूरे दिन का डाइट प्लान डाइट प्लान के साथ आपको दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है फर्स्ट आपको एक्टिव रहना है और एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज में आपको कुछ भी नहीं करना है हाई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज या फिर कार्डियो कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ वॉक करना है थर्टी मिनट ट्वेंटी टू थर्टी मिनट आपको वॉक करना है दैट्स इट ये दिन आपको किसी भी तरीके का एक्सरसाइज नहीं करना है ट्वेंटी टू थर्टी मिनट सिर्फ वॉक करना है वॉक कैसे करना है वो मेरे वॉक वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो एंड नेक्स्ट चीज आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है और उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि तीन से चार लीटर पानी पियो तो बहुत ही अच्छा है मैक्स मिनिमम आपको दो से दो ढाई से तीन लीटर तो पानी पीना ही पीना है और नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है साउंड स्लीप तो स्लीप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो डेफिनेटली आठ घंटे नौ घंटे की स्लीप आपको लेना है तो टाइम पे सोने जाना और टाइम पे जग जाना तो ये सात दिन आपको ये स्लीप का रूटीन भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा सो so, अगर आप ये राइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली अभी पिक्चर ले लेना है सात दिन के बाद पिक्चर लेना और मुझे बताना कि आपका कितना वेट लॉस हुआ और कितना लूज हुआ और आपको कैसा लग रहा है और अगर और कैसे रिजल्ट मिले आई एम श्योर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इसको ऐसे ही फॉलो करते हो तो सो दैट्स ऑल आज का सेवन डे डाइट प्लान आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप डेफिनेटली इसको फॉलो करेंगे अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा एंड ऑफ टेल्सोम so को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए मिलते हो मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सी सीव बाय टेक केयर